अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ईद स्पेशल बना रहे हैं शीर खुरमा। शीर खुरमा बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, 2 लीटर फुल फैट दूध लिया है, ये 1.5 लीटर आया है, आधा हमने भगोने में निकाल लिया है, 50 ग्राम सेवई ली है, बारीक वाली सेवई है, 10-12 पिस्ते लिए हैं, 1 टेबल स्पून भरकर चिरौंजी ली है, 8 मैंने खजूर लिए हैं, इसको मैंने काट लिया है, 20 बादाम लिए हैं, इसका छिलका उतार लिया, 2 घंटे पहले इसको भिगो दिए थे, इसका छिलका उतार लिया है, 8 टेबल स्पून चीनी ली है, यह चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, 2 टेबल स्पून घी लेंगे देसी घी, 3 टेबल स्पून काजू लिए हैं, 15 से 20 मखाने लिए हैं। ये चीज़ें चाहिए हमें शीर खुरमा बनाने के लिए। थोड़ा सा दूध हमने पहले इसमें निकाल लिया था क्योंकि जग छोटा था, तो बाकी का ये दूध ट्रांसफ़र कर रहे हैं भगोने में। इसको हाई फ्लेम पर बॉईल डालने देंगे जब तक कि हम अपने ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। तो 1 टेबल स्पून ऑयल घी डालेंगे, घी को हल्का गर्म होने देंगे, घी गर्म हो गया इसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, बादाम, चिरौंजी, काजू और ये पिस्ते, इसको लाइट पिंक फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स लाइट पिंक फ्राई हो गए, अब हम इसको निकाल लेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल तेल घी डालेंगे। घी के हल्का गर्म होते ही सेवइयां फ्राई कर लेंगे लाइट पिंक। इसको लाइट पिंक फ्राई कर लेंगे, सेवइयां लाइट पिंक फ्राई हो गई हैं, इसको हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे, इसमें हम अपने खजूर फ्राई कर लेंगे। दूध में बॉईल आ गया है, अब हम इसमें फ्राई की हुई सेवइयां डाल देंगे और साथ में ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि आधे से ज़्यादा रेड्यूस नहीं हो जाता। दूध में अब हम छुहारे भी डाल देते हैं साथ में, मखाने इसमें लास्ट में डालेंगे और घी भी लास्ट में डालेंगे, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। दूध अपनी एक्चुअल क्वांटिटी का 50% तक रेड्यूस हो चुका है, अब हम उसमें चीनी ऐड कर देंगे। मैं हाफ कप चीनी ले रही हूँ, चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, चीनी के डिजोल्व होने देंगे और 5 से 7 मिनट इसको और कुक करेंगे। चलो तो 1 टेबल स्पून में घी डालूंगी, घी के हल्का गर्म होते ही घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें मखाने डाल देंगे और लाइट पिंक इसको फ्राई कर देंगे। मखाने हमारे लाइट पिंक फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको शीर खुरमे में डाल देंगे। मखाने हमने शीर खुरमे में डाल दिए हैं, ये देखिए हमारे शीर खुरमे का टेक्सचर ठंडा होने के बाद ये और भी थिक हो जाएगा। इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद फ्रिज में रख देंगे, फिर सर्व करेंगे इसको। तैयार है हमारा शीर खुरमा, अब हम इस पर गार्निश करते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स के। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें एक बार। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।